कभी कभी ये होता है कि आपको लूप कंप्लीट नहीं करना होता है, मतलब थोड़ा आइट्रेशन के बाद आपको लूप से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मैंने एक कोड लिख दिया कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर वो नंबर समझ लीजिए किसी नंबर से डिवाइड हो गया बीच में, तब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं बन सकता, तब मुझे लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल जब आपको लूप से बाहर पढ़ना है। लूप के अंदर बाहर पढ़ने के लिए एक स्टेटमेंट है जिसका कीवर्ड नाम है ब्रेक। हमने ऑलरेडी ब्रेक को स्विच केस में देखा है। तो ब्रेक क्या करेगा, अभी हम एक एग्जाम्पल द्वारा उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज समझ लीजिए मुझे एक नंबर पढ़ना है और उस नंबर को डबल करके प्रिंट करना है, लेकिन जब यूज़र जीरो कंटर एंटर करेगा तब मुझे लूप से बाहर निकलना है। तो प्रॉब्लम इतना ही है, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, जब तक वो नंबर जीरो नहीं है उस नंबर को डबल करके मुझे प्रिंट करना है। तब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सूडो कोड लिखा है लूप। तो सूडो कोड का शुरुआत यहाँ है और यहाँ ख़त्म हो रही है। तो पहले मैं एक नंबर रीड कर रहा हूँ यूज़र से कीबोर्ड द्वारा, तब यूज़र से ये पूछ रहा हूँ कि क्या नंबर इक्वल टू ज़ीरो है। अगर नंबर इक्वल टू ज़ीरो है तब मैं किसी तरह यस लूप से बाहर आके यहाँ आ जाऊँगा। अगर नंबर ज़ीरो नहीं है तो नंबर इंटू टू करके मैं प्रिंट करूँगा। तो ये जो है ये लूप हमेशा चलता जाएगा जब तक यूज़र ज़ीरो एंटर ना करे। अगर हम इसके लिए एक सी कोड लिखे तो सी कोड ऐसा लगेगा। तो इस सी कोड में हमने क्या कर दिया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है नंबर। वाइल वन यानी अभी इस लाल ब्रैकेट के अंदर ए लूप एंडलेसली यानी इनफाइनाइट चलता जाएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से एक नंबर रीड कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि क्या नंबर ज़ीरो है। अगर नंबर ज़ीरो है मैं ब्रेक करके ए ब्रैकेट के बाहर आ रहा हूँ, तब मैं इस लूप से बाहर निकल रहा हूँ। अगर नंबर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तब मैं नंबर को डबल करके यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट का लॉजिक। ब्रेक स्टेटमेंट यानी किसी कंडीशन या अगर आप ब्रेक डालोगे ये जो लूप है इस लूप से ये बाहर निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक और एक स्टेटमेंट देखेंगे जिसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, एक लूप लिख रहे हैं जिसमें हम सम ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि केवल यूज़र 10 नंबर एंटर करेगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई जो टोटल काउंट करेगा कि हमने 10 नंबर ही एंटर किए, 10 से ज़्यादा ना किया हो। एक वेरिएबल है सम जिसका इनिशियल वैल्यू जीरो है और नंबर है वेरिएबल जिसमें हम इनिशियल या नंबर हर बार लूप में रीड करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा है क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन पता है, एंड कंडीशन पता है और हमें एक ही से इंक्रीमेंट करना है। फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, जब तक आई 10 से कम है, जब तक हम 10 नंबर ना पढ़े तो ये लूप चलता जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर पढ़ रहा हूँ। अगर नंबर जीरो या जीरो से कम है तब मैं सम को ऐड नहीं कर रहा हूँ, तब मैं सिर्फ एक कंटिन्यू स्टेटमेंट कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा ये सम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस सीधा आई प्लस प्लस पे चला जाएगा। तो एक छोटा सा सैम्पल इनपुट देख के तब आपको समझ पाएगा कि ये कोड कैसा एग्जीक्यूट हो रहा है। इनिशियली जब यूज़र ने वन एंटर कर दिया, वन लेस देन इक्वल टू जीरो ये फॉल्स है, इसलिए सम में क्या होगा, जीरो प्लस वन सम हो जाएगा वन। अगले बार आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ेगा वन, जब आई होगा वन मैं नंबर रीड कर रहा हूँ। समझ लीजिए मैंने माइनस टू एंटर कर दिया, जब मैंने माइनस टू एंटर कर दिया, माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन अभी ट्रू हो गया। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया एक कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट हो जाएगी। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा आई प्लस प्लस पे चला जाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब ये है जैसे ही लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा उसके नीचे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा वापस थर्ड एक्सप्रेशन यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे चला जाएगा। तो इस सेशन में हमने आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में समझाने की छोटी सी कोशिश की।